हेलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से और ये क्वेश्चन सेक्शन सी और सेक्शन डी में आ सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है या ये भी आ सकता है। थोड़े से पॉपुलर क्वेश्चन हैं ये। अब देखो होता क्या है, क्यों इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार अपियर होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उन आइडेंटिटीज से रिलेटेड है जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सिखाया जाता है और जो एल्जेब्रा में टेक्निक्स यूज होती है। एल्जेब्रा में किस तरीके से स्क्वायर्स और पावर फोर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है वो टेक्निक इसमें यूज होती है। तो देखो हम किस तरीके से इसमें वो टेक्निक्स यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए, सो एलएचएस क्या गिवन है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब राइट हैंड साइड में देखो sec cosec गिवन है, sin cos गिवन है, मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी sin cos ही जनरेट करना पड़ेगा। sec और cosec क्या है बच्चों, अगर इसको देखा जाए तो sec थीटा क्या है, 1 अपॉन cos थीटा। sec थीटा होता क्या है, 1 अपॉन cos थीटा। और cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन sin थीटा। तो ये भी तो 1 अपॉन cos into 1 अपॉन sin लिखा है, दैट मींस राइट हैंड साइड प्योरली sin और cos थीटा में एक्सप्रेस्ड है, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड को भी sin और cos में ही चेंज करना पड़ेगा। यही एक मतलब तरीका यही आगे बढ़ने का। सो लेट्स सी, देखो tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा सबको पता है, sin थीटा बाय cos थीटा, तो ये आ जाएगा sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा। कोई दिक्कत है तो बोलो। tan क्यूब थीटा को मैंने sin क्यूब थीटा बाय cos क्यूब थीटा लिख दिया, होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या तो हम उसको बहुत लेंथी करें, tan थीटा को sin बाय cos में करें, LCM ले, ये वो नहीं करना। हम सिंपल क्या कर सकते हैं बच्चों, हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है, राइट। प्लस ये स्टेप में क्या लिखेंगे हम, cot थीटा। cot थीटा क्या होता है बच्चों, cos अपॉन sin, तो cot क्यूब थीटा क्या होगा, cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा, यस और नो। यहां मैं लिख सकता हूं cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा सबको पता है क्या होता है, बोलेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, यस और नो। इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे यहां पर, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। जैसे हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पर पुट करी, वैसे ही हम 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा सर, cosec स्क्वायर थीटा। कोई डाउट तो बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो, राइट। अब क्या करना है सर, नेक्स्ट स्टेप में फिर sec स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं, सो हम लिखेंगे ये ऊपर वाला जो लिखा है हमने वो एज इट इज लिखेंगे, ये भी एज इट इज लिख देंगे, sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा होल अपॉन sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है तो बोलेंगे नो। देखो ये होल अपॉन है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज होल अपॉन, ये ऊपर एक क्वांटिटी लिखी है, ये नीचे दूसरी क्वांटिटी लिखी है, कोई डाउट तो नहीं है। sin क्यूब थीटा बाय cos क्यूब थीटा एज इट इज, sec स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये एज इट इज आएगा cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा, होल अपॉन क्या आएगा बच्चों बोलेंगे, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। कोई डाउट, ये चीज को हमने यहां लिखा है, ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट था ये एज इट इज यहां पर लिखा हुआ है, कोई डाउट नो। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम, अब देखो जो रेसिप्रोकल में है, जो डिनोमिनेटर में है वो रेसिप्रोकल होके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, देखो जो डिनोमिनेटर में होता है दैट इज रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाइड टू न्यूमरेटर, ये एक टेक्निक है। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 आ जाएगा, राइट। यहां लिख देंगे हम sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ध्यान से देखो इस चीज को रेसिप्रोकल करके यहां मल्टीप्लाई कर दिया गया है, कोई डाउट नो। इसको क्या लिखेंगे, प्लस बोलेंगे cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा बोलेंगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1, कोई डाउट नो। अब देखो ये स्क्वायर है ये क्यूब है, स्क्वायर से अगर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे सिर्फ एक cos थीटा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, सोच के देखो जरा।
पावर ये 2 है, ये पावर 3 है, या तो इस पावर 2 को हम नीचे एक्सपोनेंट से करें भी 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। यहां पर सिंपल देखें cos क्यूब थीटा क्या है, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। ये जो cos क्यूब थीटा है इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहां रफ में सॉल्व करके देख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा से ये वाला cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ cos थीटा। सिमिलरली ये sin स्क्वायर थीटा है, sin क्यूब थीटा है, sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, तो एक sin थीटा नीचे एक्स्ट्रा रिमेनिंग बच जाएगा। यहां तक क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप हम यहां लिख देते हैं। सो व्हाट डू यू सी, यू कैन सी दैट ये जो आंसर आ गया हमारा ये है sin क्यूब थीटा अपॉन क्या बच जाएगा बच्चों, सिर्फ cos थीटा प्लस यहां पर क्या आ जाएगा बोलेंगे cos क्यूब थीटा अपॉन यहां पे सिर्फ sin थीटा रह जाएगा, sin थीटा। आई गेस यहां तक सबको समझ में आया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो सिंपल है, करना क्या है, सब मुझे कुछ दिख रहा है क्यूब वगैरह ये वो, साइन कॉस दिख रहा है तो नीचे मैं एलसीएम ले लूंगा, यहां पर हम लिख देंगे क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया। अब ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा साइन थीटा है, तो मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी मैं साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा क्या बनेगा बच्चों, साइन इज टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, बोलेंगे कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो cos raised to the power 4 theta। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। देखो अब इसके बाद फिर एक टेक्निक यूज होगी जनरेटिंग स्क्वायर्स। आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो? यस सर। तो अब हमें क्या चाहिए, देखो ये जो sin की पावर 4 theta है ना, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। ये चीज क्या है ध्यान से देखो, मैं यहां लिख देता हूं, ये साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर है कि नहीं है, सोचो। साइन एस टू दी पावर 4 थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, कॉस एस टू पावर 4 थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां जनरेट हो सकता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां जनरेट हो सकता है, तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये 2ab को यहां लाएंगे तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, विदाउट यूजिंग दीज टेक्निक्स ये क्वेश्चंस सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ आप आंसर शीट भरते जाओगे, सोल्यूशन कभी आएगा नहीं, दिमाग पे प्रेशर बढ़ेगा, एक सवाल सॉल्व होगा उसके चक्कर में आगे के 2-3 सवाल और गलत हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप एक क्वेश्चन सॉल्विंग का वीडियो देख रहे हो, उसके साथ साथ आपने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स सीख लिए यहां पे, तो कॉन्सेप्ट्स को सीखना जरूरी है बच्चों। क्वेश्चंस के आप वीडियोस कितने ही देख लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स देखना जरूरी है, इनको सीखना जरूरी है, राइट? So, अब क्या करेंगे हम इस स्टेप में, हम साइन 4 थीटा को लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस रेज़्ड टू पावर 4 थीटा को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए क्या है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर। कोई तकलीफ, क्रूशियल स्टेप है, वीडियो को रिवाइंड फॉरवर्ड फिर से रिवाइंड फिर से फॉरवर्ड करके देखना, क्लियर 100% 200% क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा सा 5-10 मिनट आपको देने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा, राइट? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए कुछ भी है, मैं तो ए की जगह सर यहां पर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, बी की जगह यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर तो लिखा ही, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, ए क्या था सर साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या था सर कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज। यहां तक कोई डाउट है तो बोलेंगे, एनी डाउट? क्लियर? सो देखो अब हमको एक आइडेंटिटी दिख गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वन होता है, तो ये आ गया वन का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे सर, राइट हैंड, अब इसके बाद कुछ करने के लिए रही नहीं गया सर, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा लिखा है। अब सर मुझे आरएचएस में देखना है सेक कॉस माइनस 2 साइन कॉस माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एलसीएम को अलग कर देंगे बच्चों, सेपरेट इन दी एलसीएम हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये कॉस थीटा साइन थीटा से इनके स्क्वायर कैंसिल हो गए तो ऊपर क्या रह गया, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यस और नो, ध्यान से देखो यही बच गया ना। और 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन लिखा है, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, नथिंग बट sec थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव कर दिया क्या, क्वेश्चन टिपिकल है इसीलिए इतना लेंदी है और विदाउट टेक्निक्स तो सॉल्व होने वाला ही नहीं है। कौन सी टेक्निक्स यूज करी अपन ने, यहां पर क्या किया लास्ट में समझ में आया होगा, ये sec थीटा कैसे जनरेट हुआ ये बताओ मुझे, 1 अपॉन कॉस sec लिख दिया और 1 अपॉन साइन को मैंने ये मल्टीप्लिकेशन में एक तरीके से 1 अपॉन कॉस इनटू 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन कॉस sec थीटा हो गया और 1 अपॉन साइन cosec थीटा हो गया, तो sec इनटू cosec माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। सो ये तरीका है सॉल्व करने का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने रिविजन लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कितने इजी क्वेश्चन लिए थे, सबको लग रहा होगा यार सर इतना इजी क्यों पढ़ा रहे हैं, बच्चों डिफिकल्ट पढ़ाने के लिए पहले इजी समझना जरूरी है, है कि नहीं है। अब आप देखो इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने यूज करे, तो आइडेंटिटीज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सर sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है, ये यूज किया। फिर क्यूब्स और स्क्वायर्स को कैसे कैंसिल करते हैं ये सीखा, कॉन्सेप्ट नंबर 2। थर्ड कॉन्सेप्ट कौन सा सीखा हमने, आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कैसे जनरेट की जाती है, तीन कॉन्सेप्ट्स को यूज किया तब जाके हमारी आइडेंटिटी सॉल्व हुई है क्वेश्चन 1, लेकिन कॉन्सेप्ट्स कितने हैं 3। तो यही तरीका है बच्चों मेरे पढ़ाने का, थोड़ा सा लेंदी होता है बट आपके माइंड में फिट तो होके रहेगा, इस बात की तो गारंटी है 100% नहीं 200%, लेकिन उसके लिए जरूरी है आप लोग वीडियो एंड तक देखा करो। मेरे जो भी वीडियोस मैं जो भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं ये सब आप बच्चों के लिए है, लेकिन ये वीडियोस कब यूजफुल होंगे, ये आप स्टार्टिंग के 1-2-3 मिनट देखोगे छोड़ दोगे क्या, मतलब टाइम वेस्ट है, आप वीडियो एंड तक देखो कुछ ना कुछ तो सीख के जरूर जाओगे, ठीक है। तो आई गेस आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज लिखना मत भूलना। थैंक यू गाइस।